हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। गाइज, वो सेम प्रॉब्लम जो है चल ही रही है इंटरनेट वाली, जिसकी वजह से हम लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं अभी। बट रिकॉर्डिंग सेशंस जो है मैं आप लोगों के लिए डाल रहे हूँ, जिससे कि आप लोगों का जो जो यूनिट है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। मतलब दो सेशंस और हैं, एक आज का है एक और है, जिसमें कि हम ट्राई करेंगे कि इसको जल्दी से जो है ख़त्म कर दें। ठीक है, सो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके 2022 के पेपर में भी आया हुआ है, तो इस सेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जेंडर एंड इनइक्वालिटी करके आया था, तो अगले साल हो सकता है कि जेंडर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करके भी आ सकता है। तो जरा सा भी इसको मतलब लाइटली मत लीजिएगा कि इस बार आ गया है तो शायद अगले साल नहीं आएगा। आने के बिल्कुल चांसेस हैं। हर साल आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे भी होंगे जो रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना, हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ये मेरी आप लोगों से जेन्युइन एडवाइस है। तो चलिए शुरू करते हैं, जेंडर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। और इसके जो बेहतरीन नोट्स हैं वो इग्नू से मिलते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो सेशन में बने रहिएगा। सेशन को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी ये चीज़ यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं जेंडर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, जिससे कि आप इसको आराम से देख पाऊँ। ठीक है, सो दिस इज़ अवर टॉपिक। अब इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हमको वेबर और मार्क्स का स्ट्रेटिफिकेशन हम लोगों ने देख ही लिया है कि वेबर और मार्क्स ने क्या क्या बोला है, तो बस उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। लेकिन जेंडर के साथ इसको क्रॉस कल्चर जो पर्सपेक्टिव है अपना, उसको देखेंगे एक तो हम। ठीक है, स्टेटस विमेन का क्या है जेंडर में जब हम बात करते हैं, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में विमेन का क्या स्टेटस है उसको हम देखेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको जो सवाल पूछा गया था जेंडर एंड इनइक्वालिटी का, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा गया था, राइट? तो वो भी अपने को करना है। एंड देन कास्ट एंड जेंडर, कास्ट से और जेंडर से क्या रिलेशन है, फिर ट्राइब, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन और क्या क्या परिवर्तन आज के डेट में आए हैं वो सब हमको करने हैं। मतलब जेंडर का जो पूरा होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लास्ट में एंड में जो है कंक्लूजन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने आंसर को भी कंक्लूड कर सकते हो। सो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये आप लोगों को मिलेंगे। उसके लिए जितने भी ये टॉपिक्स हैं, आप ये देखो कि इन चार पांच टॉपिक्स पे पांच अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। वेबर मार्क्स एंड स्ट्रेटिफिकेशन, जेंडर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है, स्टेटस ऑफ विमेन के हिसाब से पूछा जा सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और कास्ट एंड जेंडर आपसे पूछा जा सकता है, ट्राइब जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंजेस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट भी करके रखी हुई हैं, जैसे कि आप कैसे एक इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, जेंडर में हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जेंडर का मतलब क्या है, कि एक अपने पास में मेल है, एक अपने पास में फीमेल है। ठीक है, मतलब मैन एंड विमेन। ठीक है, तो मैन एंड विमेन जिसकी हम यहां पर बात करेंगे जेंडर के पर्सपेक्टिव में। और जिसने भी पुराने सेशंस नहीं है देखे हों वो देख लीजिएगा। तो हमने देखा है कि विमेन को अलग से मतलब उनके काम डिफाइंड कर दिए जाते हैं काफी सोसाइटीज के अंदर। काफी सोसाइटीज के अंदर ऐसा होता है कि औरतें ये काम करती हैं यही करेंगी, आदमी पर्टिकुलर काम करते हैं वही करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज में हम अगर देखें तो जो मिडिल क्लास सेक्शन है, ठीक है, इंडिया के अंदर भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, एक सेकंड रुकिएगा, दोनों ही जगह आदमियों को हमेशा ही ब्रेड विनर्स माना गया है। ठीक है, वेस्ट में अब जो है थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन पिछले 50 सालों में आपको ज्यादा देखने के लिए मिला है, लेकिन उससे पहले अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अगर आप पढ़ते हैं, अमेरिकी क्रांति को पढ़ते हैं आप लोग, तो आप पाएंगे वहां पर कि उधर भी हमको जो है ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी और इंडियन कंट्री में आदमी को माना जाता है ब्रेड विनर, और औरत को माना जाता है कि वो घर की और बच्चों की देखभाल करेगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है, इसको कहते हैं कि नेचुरल अरेंजमेंट है। नेचुरल मतलब कि ऐसा ही होता आया है, नेचर में ऐसा ही हुआ है। और इसी चीज, और इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दोनों लोग, आदमी और औरत, मैन एंड विमेन, एक दूसरे के काम को पूरक कर रहे हैं। मतलब अगर आदमी बाहर
कमाने जा रहा है, और अगर घर पे ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, जिनके लिए वो कमा रहा है उनका ध्यान ही नहीं रख पा रहा है, तो कैसे काम चलेगा? या फिर औरत अगर सिर्फ ध्यान ही रख रही है लेकिन बाहर कमाने नहीं, मतलब सोर्सेस नहीं है, कहीं से आय के साधन नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? यानी कि ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तब एक फैमिली सिस्टम आगे चल रहा है। लेकिन लेकिन होता क्या है कि ये अरेंजमेंट को नेचुरल और कॉम्प्लीमेंट्री तो मानते हैं, साथ ही साथ इसको जोड़ देते हैं बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ सेक्सेस के साथ में। यानी कि जिस तरीके से आप पैदा हुए हो, ठीक है, अगर आप आदमी पैदा हुए हो तो बचपन से ये बोल दिया जाता है कि बेटा तेरे को शेर जैसा बनना है, तेरे को चीते जैसा बनना है, ठीक है, अपने को डरना नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। और औरतों को या लड़कियों को, बच्चियों को हम सिखाते हैं कि आपको ध्यान रखना है, आपको भाई बहनों का ध्यान रखना है, आपको मतलब किस तरीके से पेश आना है समाज में, ये भी मतलब जो है सिखा दिया जाता है, क्योंकि उनको फ्यूचर के लिए इस तरीके से तैयार कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उनके बायोलॉजिकल आधार पर भी जो है ये सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है इससे क्या है, औरतों की बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है कि जब आप आदमी को ब्रेडविनर मानोगे तो औरतों की इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ जाएगी आदमियों के ऊपर, और इसी को कहते हैं हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जहां पर आप मेल या फीमेल, यानी कि मैन या विमेन के आधार पर उनके काम को निर्धारित कर देते हैं, तो उसको सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की दृष्टि से देखा जाता है और कहा जाता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। अगर आपको कहीं पर भी कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है कि डिफाइन द इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ वुमेन इन द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, या फिर इन सोसाइटी, तो आप इस तरीके से ही अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस क्यों है, क्योंकि आदमी को ब्रेड विनर और औरत को केयर टेकर की तरह, बच्चों को देखभाल करने की तरह उस तरीके से काम निर्धारित करे गए हैं समाज में। और ये वैसे तो नेचुरल और कॉम्प्लीमेंट्री था, एक दूसरे के संपूरक थे, लेकिन आज की डेट में इसको बायोलॉजिकल चीजों से भी जो है जोड़ दिया गया है। अब यहां से हम आगे चलते हैं कि ये जो नेचुरल की हम बात कर रहे हैं कि एक जन जो है, दो मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें से एक जन जो है परिवार की देखभाल कर रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, ब्रेडविनर है। ये जो आइडियोलॉजी है नेचुरलनेस की, ठीक है, कि ये इस तरीके से जो काम बटा हुआ है वो नेचुरल तरीका है परिवार की देखभाल करने का, इसको काफी सारी विमेंस ने चैलेंज किया। जब विमेन भी कहां आ गई, लेबर फोर्स के अंदर आ गई, लेबर फोर्स यानी कि विमेन भी कहां आ गई, प्रोफेशनल लाइफ में आ गई, विमेन ने भी एंटर कर दिया एज अ एम्प्लॉय, एज अ लेबर, हर तरीके से इन दी वेस्टर्न कंट्रीज। शुरुआत में वहां पर हुआ, फिर यहां से शुरू हुआ, हमने देखा यहां से फेमिनिस्ट मूवमेंट भी शुरू हुए हैं। और फेमिनिस्ट मूवमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट में वेस्टर्न कंट्रीज ने ये क्वेश्चंस उठाए कि क्यों ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज है वो थोड़ी सी अपोजिट हो जाए, ठीक है, कि एक व्यक्ति जिसको ब्रेडविनर कहा जा रहा है वो केयर टेकर बन जाए, या दूसरे व्यक्ति जिसको केयर टेकर की तरह माना जा रहा है वो ब्रेडविनर बन जाए। तो यहां पर ये देखा गया कि यहां पर ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसके खिलाफ चैलेंज किया गया। दूसरा, ये जो पूरी दुनिया में औरत को सबॉर्डिनेट माना गया, यूनिवर्सल सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन माना गया अक्रॉस ऑल दी सोसाइटीज एंड कल्चर्स, उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए। तो क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि वुमेन का स्टेटस एम्प्लॉयमेंट से कैसे चेंज हो जाएगा। मतलब आप मैम ये कह रहे हैं कि औरत अगर लेबर फोर्स के अंदर आ जाएगी तो उसका ये जो सबॉर्डिनेशन वाला जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, वो कैसे होगा, क्या वो दोनों टाइप का बर्डन फेस नहीं करेंगी। इसको हम डबल बर्डन कहते हैं। डबल बर्डन मतलब कि हमने ये भी देखा है, इवन अपनी इंडियन सोसाइटी में भी देखा है और वेस्टर्न कल्चर में भी हमने ये पाया है कि जब औरतें वर्क फोर्स के अंदर आई, लेबर फोर्स के अंदर आई, मतलब काम करना उन्होंने शुरू कर दिया घर के बाहर, तो अब सिर्फ उनको, पहले तो सिर्फ उनको घर संभालना होता था, अब उनको घर भी संभालना है और काम भी करना है। क्यों? क्योंकि मेल एज अ ब्रेड विनर वो कभी ये चीज नहीं करता था कि घर भी संभाले और काम भी करे, लेकिन विमेन क्योंकि केयर टेकिंग कर रही थी, लेकिन अब उसको अगर बाहर भी काम करना है तो पहले घर का पूरा काम शुरू हो जाना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा काम जो है सब लोगों की देखभाल जो है पूरी पर्टिकुलर होनी चाहिए। तो इस चीज से जब हम फेमिनिस्ट मूवमेंट में बात करते हैं तो हम लोग, हमारे सामने एक सवाल और भी आता है
कि आर दे फेसिंग डबल बर्डन ऑफ परफॉर्मिंग जॉब्स विच आर नेगेटिव वैल्यूड, मतलब कि उनकी उनकी जॉब को कभी भी, एक तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनके काम को कभी भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, घर की जो वो टेक केयर करते थे उस चीज को भी कभी भी रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखा गया। हाउस वर्क जो है एक ऐसा वर्क होता है, कल को कोई पूछे हाउस वर्क क्या होता है, हाउस वर्क एक ऐसा वर्क होता है जहां पर आपको पे नहीं किया जाता है, वेयर एज जबकि पेड वर्क ऐसा होता है जहां पर घर के बाहर आउटसाइड दी हाउस होल्ड आप काम करते हैं, दैट इज पेड वर्क, क्योंकि उसके लिए आपको पे किया जाता है। स्टेटिक्स यानी कि आंकड़े हमको ये बताते हैं कि दुनिया में जितनी भी औरतें काम कर रही हैं उनके हिसाब से, अगर जितने भी आदमी काम कर रहे हैं उनका कंपैरिजन करें, तो आदमियों को सेम काम के लिए, सेम जॉब के लिए आदमी और औरत को भी यहां पर डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलते हैं इन देयर पेड, इन देयर पेज, मतलब जो उनको वेजेस मिल रही हैं। तो मेल्स को हमेशा क्या मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है कंपैरेटिवली फीमेल, जबकि दोनों ही सेम जैसा काम कर रहे हैं फॉर द सेम वर्क। ठीक है, ऑक्यूपेशंस लोगों को जेंडर की लाइन के हिसाब से भी सेग्रीगेट कर देते हैं, जैसे कि जो हैवी मशीनरी होती है उन पर ये ध्यान दिया जाता है, वहां पर एम्प्लॉयर ये ध्यान रखता है कि यहां पर किसी फीमेल को क्या ना करे, पोस्ट ना करे। एक क्वेश्चन और उठता है यहां से कि विमेन का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स के अंदर, क्या उसको इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या उसको डी वैल्यू किया जा रहा है, डी वैल्यूएशन हो रहा है क्या उस चीज का? हाँ जी, क्या उस चीज का डी वैल्यूएशन हो रहा है? तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कहने देखने में, क्योंकि एक तो उसको वेजेस भी कम मिल रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि औरत वो काम नहीं कर पाएगी, कुछ पर्टिकुलर काम नहीं कर पाएगी, तो उनको वो काम असाइन नहीं किया जा रहा है, ऑक्यूपाई उनको ऑक्यूपेशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो कंसिस्टेंट डिवेल्यूएशन है, इससे विमेन का एक्सक्लूजन हो रहा है। एक्सक्लूजन कैसे हो रहा है कि जब उनको पहले से ही आप अपनी मेंटेलिटी में ये रखोगे कि इनको पैसा कम देना है या फिर कोई पर्टिकुलर काम इनके लिए नहीं है, वो इनको नहीं करना है, भले ही विमेन वर्कफोर्स के अंदर है, तो जब आप ऐसी चीजें मेंटेलिटी पालोगे तो डिसीजन मेकिंग में आप विमेन को एक्सक्लूड कर देंगे, और जब डिसीजन मेकिंग में आप विमेन को एक्सक्लूड कर देंगे तो यानी कि आप दो दो खांचे आप तैयार कर रहे हैं समाज के अंदर, जिसको कहते हैं हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और अकॉर्डिंग टू द जेंडर। ठीक है, इसी को कहते हैं हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जेंडर। यहां पर एक एक हिस्सा है आपका मेल का और एक दूसरा हिस्सा है वो आपका फीमेल का है। बात समझ में आ रही है? ये इस पूरे के पूरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन है कि कैसे दो खांचे बन जाते हैं समाज के अंदर। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम यहां पर देखें तो जितने भी फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि फेमिनिस्ट स्कॉलर कौन होते हैं। ये वो लोग होते हैं, इसमें महिलाएं भी होती हैं, इसमें पुरुष भी होते हैं, ये वो लोग हैं जो कि नारीवाद की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि विमेन इश्यूज को उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट जहां पर विमेन को लेकर होता है या जहां पर भी विमेन को एक्सक्लूड किया जाता है, इनइक्वल ट्रीट किया जाता है, इनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, या जहां पर भी विमेन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है ये उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो हैं इस चीज को रजिस्ट करते हैं, इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि जो विमेन्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, विमेन की प्रॉब्लम है वो आर्टिफिशियल है, तो इस चीज को रजिस्ट करते हैं कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये आज के कंटेम्प्रेरी सिस्टम में भी चल रहा है और इस तरीके से महिलाओं का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बोले तो कि किसी काम के लिए इनको 100 रुपए दिए जा रहे हैं और उसी काम के लिए इनको यदि 80 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी कि इनके साथ तो जो है क्या हो रहा है, इनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, इनके साथ तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सेम काम के इनको कम पैसे मिल रहे हैं। तो ये लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो विमेन का ऑपरेशन है, महिलाओं का जो ऑपरेशन है, इट इज नॉट टू बी सीन एज सेकेंडरी टू क्लास ऑपरेशन एज अ होल। तो जो हम बात करते हैं कि जहां पर हमने क्लास ऑपरेशन पढ़ा है, क्लास इनइक्वेलिटी पढ़ी है, ठीक है, तो क्लास इनइक्वेलिटी जितनी ज्यादा घातक है उतना ही ज्यादा घातक ये विमेन का ऑपरेशन भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो क्लासेस भले ही 4-5 तरीके की हो सकती हैं, रिच क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, यहां पर फिर भी आपको 5-6 खांचे देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको कास्ट के इनइक्वेलिटी में आपको 5-6 खांचे वहां पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, खांचे मतलब कि वहां पर भी आपको सेग्रीगेशन उधर भी मिल जाएंगे। लेकिन जब आप जेंडर बेस की बात करते हैं तो यहां पर जेंडर बेस तो मैम मेल और
फीमेल इसी आधार पर होता है। यानी कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट सकती है इस चीज पर। तो ये क्लास जो क्लास ऑपरेशन हम पढ़ते हैं उससे कहीं पर भी ये सेकेंडरी यानी कि कमतर नहीं है। विमेन को ऑप्रेस किया जाता है एज अ क्लास, कि पूरी जो महिलाएं हैं वो मेल से सबॉर्डिनेट ही हैं। तो ये जो है समाज में कौन करता है? ऑब्वियसली मैन हु हैव दिस आइडियोलॉजी, और जिनका पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर से आते हैं। जियोग्राफिकली भी देखें हम और यूनिवर्सली हिस्टोरिकली भी देखें तो ये हमको मिला है। जियोग्राफिकली जो जो जियोग्राफिकली बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आज भी महिलाओं को उनके हक के लिए आवाज उठाने के लिए रोका जाता है। हिस्टोरिकली भी आप देखें तो आदमियों को ऑब्वियसली ज्यादा राइट्स मिले हैं, और उनका इवन अब अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, क्लास 9th में आपने हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, कि जब आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में रिपब्लिक वहां पर इस्टेब्लिश हुआ, तो रिपब्लिक इस्टेब्लिश होने के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इवन राइट टू वोट अमेरिका में भी महिलाओं को बहुत बाद में मिला। भारत एक पहला ऐसा देश था जो कि आजादी के तुरंत बाद में, आजादी के पहले दिन से, जिस दिन हमारा संविधान लिखा गया उस दिन से महिलाओं को इक्वल राइट्स थे। तो जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है वो हमारे संविधान में थी ही नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाते हैं, जिसमें हम पीछे रह जाते हैं, और इस वजह से हमने देखा है कि काफी सारी सोसाइटीज ऐसी होती हैं जो कि क्लास के आधार पर नहीं बल्कि जेंडर के आधार पर डिफ्रेंशिएट करती हैं। बहुत सारे समाज ऐसे होते हैं जो क्लास के नहीं बल्कि जेंडर के आधार पर डिफरेंशिएट करते हैं। और यहाँ पर महिलाओं का ये जो रिवॉल्यूशन है, फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन जो है, ये आज तक के सबसे लॉन्गेस्ट रिवॉल्यूशन है, जहाँ पे महिलाएं आज भी अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाती हैं और आज भी उनको कई सारी जगह पर उनके पूरे अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो जब हम स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरीज की बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बीच में ये जो इनइक्वेलिटी है काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, और समाज जो है सोशल चेंजेस जो है यहां पर उनको अनकवर करने की जरूरत है। अनकवर यानी कि सोशल चेंजेस लाने की जरूरत है। मार्क्सिस्ट और वेबरियन दोनों ही पर्सपेक्टिव हमको ये बताते हैं कि दोनों ही चीजों ने ये डॉक्यूमेंट भी किया है और ये एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्म की, इस तरीके की जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वेलिटी को दिखाती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वेलिटी को दिखाती है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमको कैसे अपने आंसर को शुरू करना है, कैसे हमको चीजों को आगे लेके जाना है। तो ये बताते हैं, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, दोनों ही मार्क्स और वेबर दोनों की ही थ्योरीज जो है क्रिटिसाइज करती हैं कि भाई एक बात बताओ, ये जो क्लास की सिचुएशन है, क्लास सिचुएशन ऑफ फैमिली मेंबर है, ठीक है, ये कहां से आई है? कि ये जो मतलब फैमिली के अंदर भी लोगों को अलग अलग उसमें डाल दिया गया है, एक जो है जिसको ज्यादा मतलब आप तवज्जो दे रहे हैं, ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति को आप सबॉर्डिनेट बोल रहे हैं। ये ऐसा क्यों है कि द मेन ब्रेड विनर हु इज यूजुअली अ मैन, ऐसा क्यों है कि मेन ब्रेड विनर आप यूजुअली परिवार के अंदर एक आदमी को मानते हैं? आज की डेट में भी आप अपने समाज में देखते होंगे कि एक आदमी है, ठीक है, और एक महिला है, दोनों ही मतलब हस्बैंड वाइफ मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, और जनरली ये होता है कि वाइफ भले ही अच्छी जॉब कर रही है, जैसी भी जॉब कर रही है, उसको कभी भी जो है उसकी सैलरी को हमेशा सेविंग्स और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मनी की तरह देखा जाता है। उसकी जॉब की जो सैलरी होती है उसको कभी भी इस तरीके से ट्रीट नहीं करते कि हाँ यार तुम्हारी सैलरी से भी घर चलता है। उसकी सेविंग्स को, उसकी सैलरी को ऐसे ट्रीट करते हैं कि हाँ चलो इसको सेव करके रखो, जब कोई जरूरत होगी तो हम यहां से यूज कर लेंगे, लेकिन मेन जो घर चला रहा हूं वो तो मैं अपनी सैलरी से ही चला रहा हूं। ऐसी माइंडसेट आज भी समाज में उन घरों में भी है जहां पर महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो इस जेंडर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और इनकी वजह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। महिलाओं के बारे में आप देखेंगे तो महिलाओं ने जिंदगी के हर आयाम में पूरा ही योगदान दिया है, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट रहा हो उनकी लाइफ का। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हाउस होल्ड दैट हैव ओनली मेल ब्रेड विनर, पैसेज ऑफ न्यू लॉज क्रिएटेड एन एनवायरमेंट फॉर वुमेन्स लोकेशन इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दे रही हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर की दुनिया हो, उनके कामकाजी जीवन हो,
और अब जो है डिक्रीज हुआ है किस चीज में, जहां पर हम ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओनली मेल ब्रेड विनर्स होते हैं परिवार के अंदर, इस नंबर में डिक्रीज हुआ है। अब महिलाएं भी ब्रेड विनर होती हैं, यानी कि घर चला, ब्रेड विनर मतलब कि रोटी कमाने वाला, पूरा मतलब घर का खर्चा चलाने वाला, वो भी होता है। खैर हर जगह पर नए नए लॉज बन रहे हैं, एनवायरनमेंट जो है ये पूरा का पूरा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जो कि विमेन सेंट्रिक है। और अकॉर्डिंग टू न्यू बाय ये जो इशू है जेंडर इनइक्वालिटी का, ये सबसे पहले जो है विमेन्स मूवमेंट के दौरान उठाया गया। ठीक है, विमेन्स मूवमेंट के दौरान ये उठाया गया। अब ये सब तो हो गया इंट्रोडक्शन, आपको बात समझ में आ गई होगी मैक्स और वेबर क्या कहते हैं महिलाओं, जेंडर और स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि वेबर ने हमें पहले ही क्लास और स्टेटस फॉर्मेशन के बारे में बता दिया है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। तो वहां पर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट बताते हैं पूरी की पूरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी का, वो यही है कि लोग अलग अलग स्टेटस में बंधे हुए हैं, अलग अलग स्टेटस रोल्स हैं और अलग अलग क्लासेस में बटे हुए हैं, और ये मेन कारण है समाज के अंदर वर्गीकरण का। पहली ये चीज जो बताते हैं वो ये है कि किस हद तक क्लास और स्टेटस सिस्टम जो है बहुत ज्यादा किसी ना किसी मायने में अहमियत रखते हैं इन दी सोशल एक्शंस, यानी कि समाज में किस हद तक क्लास और स्टेटस जो है मायने रखते हैं, कितनी उनकी वैल्यू होती है, कितना वो निर्धारित चीज करते हैं। जितनी भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरीज हैं वो हमको ये समझाने की कोशिश करती हैं कि सोसाइटी जो है वेरिएबल है, सोसाइटी के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके की क्लासेस हैं, अलग अलग तरीके के स्टेटस हैं, सोसाइटी जो है इंटर और इंट्रा दोनों ही तरीके की वेरिएबिलिटी रखती है, यानी कि समाज के अंदर भी वेरिएशन होते हैं और समाज के बाहर भी, आपके खुद के समाज के बाहर भी, दुनिया में भी अलग अलग वेरिएशन हो रहे होंगे। इस समय पर मैक्स वेबर ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो सेक्सुअल इनइक्वालिटी है जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, ठीक है, जहां पर महिलाओं को एक रिजर्व आर्मी की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। रिजर्व आर्मी मतलब कि जो विमेन की लेबर है, ठीक है, जो विमेन की लेबर है उसको डी स्किल किया जा रहा है, डी स्किल यानी कि उनकी लेबर को, उनकी मेहनत को जो है उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, एक्सपेंशन नहीं मिल रहा है। क्लैरिकल वर्क्स एज वेल एज इन पीरियड्स ऑफ एक्यूट शॉर्टेज सच इन वॉर टाइम, कहने का मतलब है कि महिलाओं को कुछ विशेष तरीके ही के ही काम दिए जा रहे हैं, क्लैरिकल वर्क्स हो गए, ठीक है, और जहां पे लेबर शॉर्टेज होगी जैसे कि वॉर टाइम में, तो वहां पर छोटे मोटे काम हो गए, वो सब महिलाओं को दिए जा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर कहते हैं ये कि इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं वो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन को बढ़ा रहे हैं उसके फेवर में है, ठीक है, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन को बढ़ा रहे हैं उसके फेवर में है और पुश कर रहे हैं स्टेटस स्ट्रेटिफिकेशन को भी, यानी कि महिलाओं का स्टेटस पुरुषों के स्टेटस से कमतर कर देंगे, उसको भी बढ़ा रहे हैं, मतलब उस खाई को भी बढ़ा रहे हैं। स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसी खाई है जो लोगों को बांटती है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि मैक्स वेबर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू की दो लाइन यहां पर रखनी है, वेबर ने ये ऑब्जर्व किया, और फिर लास्ट की दो लाइन के अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ये हुआ, तो आप वेबर का एक काफी अच्छा जिस्ट दे देंगे। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन है जहां पे हम बात कर रहे हैं वेरिएबिलिटी की, कि क्लास और स्टेटस वेरी होते रहते हैं, इंटर सोसाइटी भी और इंट्रा सोसाइटी भी, सोसाइटी के अंदर भी, सोसाइटी के बाहर भी, ये काफी सारे तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे कि महिलाओं को रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। हमने पिछले सेशंस में रिवॉर्ड्स की बात करी थी, स्टेटस कैसे बढ़ता है कि आपको जो काम दिया गया अगर आप उस पर खड़े उतर रहे हैं तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप ये देखेंगे कि महिलाओं को रिवॉर्ड उतना नहीं मिलता है उनके काम के जितना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल रिवॉर्ड्स होता है, लाइफ में चांसेस भी उतने नहीं मिलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ चांसेस होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप एक मेल हो, ठीक है, लड़के हो, आपको आपके परिवार वाले 4 साल 5 साल जो है अच्छे से दे देंगे कि भैया ठीक है तुम तैयारी करो, लेकिन लड़की को या तो वो मौका मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल, उसके बाद तीसरी साल में तो ये फरमान आ जाता है घर से कि इस साल अगर नहीं निकला तो तुम्हारी शादी करवा देंगे, हम लड़का देख रहे हैं तुम्हारे लिए साथ के साथ। सो मतलब थिंक अबाउट द प्रेशर,
कि वो अपनी लाइफ की अगले अगले पड़ाव की तैयारी करे या फिर वो अपने करियर की तैयारी करे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सोशल अरेंजमेंट होते हैं, ये जो है सबके लिए अलग है, और यहां से बेटर आउटकम और अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को उतनी नहीं मिलती हैं कि हाउ डिफरेंट सोशल अरेंजमेंट कैन प्रोक्योर बेटर आउटकम्स ऑफ एंड अपॉर्चुनिटीज। कि लड़कों के लिए सोशल अरेंजमेंट अलग है और लड़कियों के लिए सोशल अरेंजमेंट अलग है। सेकेंड चीज हमको ये देखने के लिए मिलती है कि जब हम आउटकम्स की बात कर रहे हैं तो आउटकम्स जो है क्लास और स्टेटस के हिसाब से भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। आउटकम्स को देखा जाता है कि ये क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है स्ट्रेटिफिकेशन एनालिसिस की। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्लास और स्टेटस की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं लड़कियों का क्या स्टेटस है और लड़कों का क्या स्टेटस है, तो उनके अपॉर्चुनिटीज भी अलग हैं दोनों की, दोनों को मिलने वाली कंडीशंस भी अलग हैं, तो ऑब्वियसली दोनों की तरफ से जो आने वाले आउटकम्स होंगे वो भी अलग होंगे। और क्योंकि दोनों की तरफ से आने वाले आउटकम्स अलग हैं, इनको बाई प्रोडक्ट यानी कि ये आउटकम्स किस वजह से आए हैं, ये आउटकम्स उस वजह से आए हैं कि जिस तरीके की आपने सुविधाएं सिचुएशंस जो हैं दी हैं उन्हीं की वजह से वैसे ही आउटकम्स आएंगे। तो इन आउटकम्स को स्ट्रेटिफिकेशन एनालिसिस का बाई प्रोडक्ट माना जाता है, यानी कि रिजल्ट माना जाता है। इस सबसे हमको यह पता चलता है कि जेंडर रिलेशन जो है आर यूजुअली हेट्रोसेक्सुअल एंड देयर फोर क्रॉस कट बाई क्लास एंड स्टेटस रिलेशन। अब यहां पर हम एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए जो मिडिल क्लास है, ठीक है, और जो हाई क्लास है और जो पुअर क्लास है, तीनों ही क्लासेस में भी आप देखेंगे कि वहां पर भी अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, हाई क्लास मिडिल क्लास। एक तो ये पेन नहीं चलता ना, अलग ही मतलब इसका रोना रहता है, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। तो पुअर क्लास में आपको जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन ज्यादा मिलेगा, हाई क्लास में ये जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन आज की डेट में आपको कम मिलेगा। ठीक है, आज की डेट में आपको हाई क्लास जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन कम मिलेगा, पुअर क्लास में बहुत ज्यादा मिलेगा, मिडिल क्लास में कहीं पर मिलेगा कहीं पर नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन है ये क्रॉस कट कर रहा है क्लास और स्टेटस रिलेशन को। यहां पर हम देखते हैं कि जेंडर रिलेशन लोगों की किस सोच पे आधारित होता है, कि मैम लोगों के कल्चर पे भी सबसे ज्यादा आधारित होता है जेंडर रिलेशन। जैसे कि अगर आप किसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में जाएंगे या फिर किसी कंजर्वेटिव स्टेट की भी अगर बात करो, तो स्टेट में अगर आप मान लीजिए हरियाणा चले गए, ठीक है, खैर हरियाणा में लड़कियां बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हैं, मतलब गोल्ड तक जीत के ला रही हैं, मेडल्स जीत के ला रही हैं, इतने ज्यादा नाम आपको आज की डेट में हरियाणा से मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ इलाके कुछ परिवार ऐसे हैं, ठीक है, जहां पे चाहे वो हरियाणा हो चाहे यूपी हो चाहे बॉम्बे हो चाहे दिल्ली हो कुछ भी हो, हर जगह ऐसे एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे जहां पर जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा हद तक है, मतलब जहां पैट्रियार्कल माइंडसेट इतना ज्यादा है। पैट्रियार्कल माइंडसेट आता किससे, लोग क्या कहते हैं, लोग अपने कल्चर का हवाला देते हैं कि हमारे कल्चर में ये सब नहीं होता है, यही कहते हैं लोग, है ना, क्या कहते हैं, हमारे कल्चर में ये सब चीजें नहीं चलती हैं, हमारे समाज में ये सब नहीं होता है, यही कहते हैं, ठीक है, यही कहते हैं ना। तो ये आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि जो जेंडर रिलेशन है वो आपके एथनिक रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जेंडर रिलेशन आर समहाउ सिमिलर टू एथनिक रिलेशंस। अब ये तो रही वेबर की बात, अब कार्ल मार्क्स भी कुछ कह रहे हैं हमसे, इनकी भी सुन लेते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि ये जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि डायरेक्टली कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा लेकिन कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को जो लोग सपोर्ट करते हैं उन लोगों का ये मानना है कि जो सेक्सुअल डिवीजन है, ठीक है, समाज के अंदर जो हो रहा है, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं का जो लेबर है वो सबॉर्डिनेटेड है इन कंपैरिजन टू मेल्स लेबर, यानी कि आदमी की मेहनत की तुलना में औरत की मेहनत जो है वो कमतर है, तो प्लेस ऑफ फीमेल लेबर विद इन द क्लास स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं तो ये किसकी वजह से आता है, ये कहते हैं कि ये जो है ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी या कैपिटल पूंजी की वजह से आता है। भाई मार्क्स की तो एक ही फिलॉसफी है कि जो कुछ भी स्यापा हो रहा है समाज के अंदर वो इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की वजह से हो रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से हो रहा है। काफी ज्यादा जो है सवाल इस चीज पर भी उठते हैं कि महिलाओं को, ठीक है, वेदर और नॉट फीमेल डोमेस्टिक हैज ऑलवेज हैड डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेटिंग अ स्टेबल और कोहरेंट थ्योरी ऑफ एक्शन।
विच कुड रिलेट द एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्लास पोजिशन एंड ऑफ सिस्टम कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ क्लास फॉर्मेशन. कि ये कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं डोमेस्टिक वर्क में जितनी भी हैं, ठीक है, उनको डिफिकल्टीज क्यों हो रही हैं. उनको डिफिकल्टीज इसलिए हो रही हैं क्योंकि उतना ज़्यादा संसाधन लोगों के पास में नहीं है, उतनी स्टेबल चीज़ें लोगों के पास नहीं है. क्लास पोजीशन में जो लोग कम होंगे, जो परिवार क्लास पोजीशन में लोअर क्लासेस के अंदर होंगे, वहाँ महिलाओं को और ज़्यादा समस्या हो रही होंगी. जो मिडिल क्लास फैमिलीज होंगी वहाँ महिलाओं को थोड़ी कम समस्याएं हो रही होंगी, और जो हाई क्लास फैमिलीज होंगी वहाँ महिलाओं को समस्याएं उतनी नहीं हो रही होंगी, बिल्कुल नहीं हो रही होंगी. इसका मतलब है कि समाज में ये जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो जो जिसकी हम इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, जो क्लास का वर्गीकरण है, वहाँ पर वो क्लास के वर्गीकरण में जहाँ जहाँ जैसे जैसे क्लास में आप जाओगे वैसे वैसी महिलाओं की भी अवस्था आप देखेंगे. यानी कि फंडामेंटल डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा. तो ये कह रहे हैं कि मैक्स वेबर ने कहा कि पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से ऐसा हो रहा है, और कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि फंडामेंटल डिफरेंस है फ्रॉम द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट ही दैट हैज एक्रेडिड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की. पैट्रियार्की कहती है कि ये इंसान के बिहेवियरल पैटर्न की वजह से होता है, ठीक है, जबकि माइंडसेट, जबकि मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये क्लास की वजह से हो रहा है, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी की वजह से हो रहा है. अब इस चीज़ का तो एक बात बताइए कि जो हाई क्लास की महिलाएं हैं क्या कभी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती है? जो हाई क्लास फीमेल्स हैं क्या कभी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती है? होती है जी, बिल्कुल होती है. दूसरा एक और, आपको हाई क्लास की महिलाएं कम ऐसी मिलेंगी जो कि जॉब करती हैं, ठीक है, जबकि आपको लोअर क्लास और पुअर क्लास की महिलाएं कुछ ना कुछ, भले ही वो कम पैसे का, भले ही वो कहीं पर ईंट उठा रही हो, कहीं पर मसाला डाल रही हो, किसी के घर में काम कर रही हो, आपको ज़्यादा महिलाएं ऐसी मिलेंगी जो कि काम करती हैं. तो ये क्लास की वजह से नहीं हो सकता है, पैट्रियार्कल माइंडसेट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज. तो कहने का मतलब है कि कोई भी थ्योरी अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है, कोई भी थ्योरी अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है. हर किसी के अलग डिफरेंट देखने के तरीके होते हैं और वो चीज़ें भी ठीक होती हैं. तो मार्क्सिस्ट भी अपनी जगह पर ठीक है, और जो पैट्रियार्की की बात कर रहे हैं मैक्स वेबर जो कह रहे हैं वो चीज़ भी बिल्कुल ठीक है. पैट्रियार्की को आप एक ऐसे समाज के स्ट्रक्चर की तरह मान सकते हैं, यानी कि पितृसत्ता, जहाँ पर मेल डोमिनेंस होता है, जहाँ पर मेल को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती हैं विमेन से ज़्यादा, और विमेन को डिसप्रिविलेज्ड रहना पड़ता है समाज के अंदर. इट मेक्स सेंस टू थिंक ऑफ जेंडर रिलेशन एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. क्योंकि जेंडर का जो रिलेशन है कि कौन सबॉर्डिनेट है कौन मतलब सबॉर्डिनेट नहीं है, वो पैट्रियार्कल सिस्टम से हमको ज़्यादा समझ में आता है, जितना कि हमको क्लास सिस्टम से शायद उतना नहीं समझ में आएगा. तो पैट्रियार्की के अंदर अगर हम बात करें तो पैट्रियार्की एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, ऐसा सोशल फॉर्मेशन है जो कि इग्नोर किया गया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन एनालिसिस के अंदर. लेकिन एक सोशियोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था मैन, MLN, उन्होंने बताया कि द ओमिशन ऑफ जेंडर एज अ बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएटेड अ क्राइसिस इन स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी. इनका अलग ही कहना था, ये कह रहे हैं कि अगर आप जेंडर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन को हटा देंगे, ओमिट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी है ना, वही खत्म हो जाएगी. इन्होंने 5 मेन एरियाज बताए जिसमें इन्होंने कहा कि ये जेंडर, यानी कि आपके आपके जो है जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेक्स को बोलते हैं लिंग भेद, ठीक है, जेंडर को क्या बोलते हैं, हाँ जी बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में. तो आपने पढ़े होंगे ना, जैसे आपने बचपन में वो पढ़ा होगा मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन जेंडर न्यूट्रल जेंडर. तो बेसिकली जेंडर को बोलते हैं लिंग, ठीक है, लिंग के आधार पर जो है आप क्या कर रहे हैं, इनइक्वलिटी और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है. तो जो आपकी जेंडर इनइक्वलिटी होती है, मतलब
ये कल्चर के द्वारा उत्पन्न ज्यादा होती है, मतलब जहां पे आपके दिमाग में कुछ थॉट्स प्रोसेस आ जाते हैं जिनकी वजह से आप क्या कर रहे होते हैं, लोगों को इनिक्वली ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये जो है समाज जो है आपके अंदर डालता है बचपन से, जो बच्चा है उसको नहीं पता है कि मतलब लड़की के साथ कैसे ट्रीट करना है, लड़के कैसे करना है, लेकिन जिस तरीके का परिवार होगा, जिस तरीके का परिवार के अंदर कल्चर होगा, जिस तरीके का सोशलाइजेशन प्रोसेस बच्चे के साथ में आप करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको मीड की थ्योरी में भी पढ़ाया था शायद, कि जब बच्चे का जो पूरा सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब आई से सेल्फ बनने की जो जर्नी होती है वहां पर हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा कि भाई सोशलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही ये चीजें बच्चों के अंदर डाली जाती हैं, और इस सोशलाइजेशन प्रोसेस को ही बच्चे जो हैं अपने अंदर समाहित करते हैं, अपने अंदर जो है एक्सेप्ट करते हैं, और वैसे ही उसी तरीके से जो है बड़े होते हैं। तो ये जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है उसके आधार पर जब हम पूरा का पूरा सोशल पर्सपेक्टिव देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन का, तो हमको ये समझ में आती हैं चीज़ें। तो ये जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, याद रखेंगे, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड चीजों है, मतलब ये समाज की बनाई हुई चीजें हैं। देख लेना आप कंस्ट्रक्टेड की स्पेलिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम जेंडर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। तो जेंडर समाज में किस तरीके से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बढ़ावा दे रहा है, और किस तरीके से ये क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कि हम ये देखते हैं कि आदमी और औरतों के पास में रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, आदमी और औरतों को, लड़के और लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज भी अलग अलग तरीके से मिलती हैं, किसी को कम मिलती हैं और दूसरे को ज़्यादा मिलती हैं। रिवॉर्ड्स भी अगर देखा जाए तो लड़की अगर कुछ अच्छा करके आएगी तो मतलब कई परिवार ऐसे होते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते, और लड़का कुछ भी करके आ जाए उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। राइट्स भी दोनों के अलग अलग होते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर लेजिटिमाइज्ड बाई द पैट्रियार्की, पितृसत्ता के द्वारा ये चीज़ जो है अलग अलग सोसाइटीज और अलग अलग कल्चर्स में उस चीज को मतलब लेजिटिमाइड यानी कि अच्छा सही सही समझा जाता है, उस चीज को जायज समझा जाता है कि हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है। और इन्हीं चीजों की वजह से जब वो लड़का और लड़की आगे चल के आदमी और औरत बनते हैं तो स्टेटस इनइक्वेलिटी आ जाती है दोनों में। एक जो है सबॉर्डिनेट होता है और दूसरा उसका जो है क्या होता है उससे ऊपर होता है। तो जब आप सोशल इंस्टीट्यूशन देखते हैं मैरिज जैसा, तो वहां पर भी फिर आप यही चीज देखते हैं कि जिसको बचपन से जब मतलब लड़के को आपने लड़की से बेहतर समझा तो वो मैरिज जब हो जाएगी तो आदमी अपनी वाइफ को जो है क्या समझेगा, अपने से सबॉर्डिनेट ही समझेगा। डाउरी का पर्सपेक्टिव भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा, प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो हेरिडिटरी राइट्स के थ्रू, मतलब ऐसा पहले होता था इंडिया में, तो अब इसके लिए लॉ भी है कि सब सारे बच्चों का इक्वल राइट होता है, अंटिल अनलेस के किसी ने अपनी विल में कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा हो तो सबका बराबर हक है। लेकिन पहले भी क्या होता था और अभी भी ये बराबर हक कितने लोगों को मिल रहा है, ठीक है। इनहेरिटेंस में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर आज लड़कों को जो है ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और सबॉर्डिनेशन जो है औरतों का सबसे ज़्यादा होता है। और इवन लड़कियाँ इस वजह से कई बार अपना हक नहीं लेती हैं, अपना हिस्सा नहीं लेती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके भाई जो हैं उनके साथ में कहीं रिश्ता ना तोड़ दें फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर। तो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कि स्लेविया वैले हैं, वो हमको बताते हैं कि पैट्रियार्की इज नॉट ओनली डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कि पितृसत्ता ने लड़के को लड़कियों को पावर तो खैर अलग अलग दी है, किसी को कम किसी को ज्यादा, बट ऑल्सो इट इज बिल्ट इन टू द वेरी मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में ही, ये पूरे के पूरे सोशलाइजेशन प्रोसेस में ही ये पूरा का पूरा बिल्ट इन कर दिया गया है, यानी कि इतना ज्यादा हो चुका है कि इसको अब निकालना या उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है। फेमिनिस्ट जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास को चैलेंज करते हैं, यानी कि जो मार्क्स की थ्योरी थी उसको चैलेंज करते हैं, और ये कहते हैं कि यहाँ पर जो थ्योरी फिट बैठती है वो है पैट्रियार्कल थ्योरी, ठीक है। अब मेजर कंसर्न ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक ये है कि ये जो क्लास बाउंड्रीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, या मॉडिफाई हो रही हैं, ये जरूरी है इफ वुमेन इन पेड वर्क्स आर टू बी कंसीडर्ड एज वेल। कि क्लास बाउंड्रीज आप तभी चेंज कर पाओगे, तभी मॉडिफाई कर पाओगे जब पेड वर्क में विमेन को आप इक्वल राइट्स दोगे, यानी कि इक्वल वेजेस। आप बॉलीवुड को ही देख लीजिए ना, मेल एक्टर जो लीड एक्टर होते हैं उनको करोड़ों में ज्यादा पैसा मिलता है और फीमेल एक्टर्स को कम मिलता है। इट वॉज द टाइम जब विद्या बालन ने शायद पहली बार ये चीज आवाज उठाई थी कि जितना मेल एक्टर ले रहा है लीड एक्टर उतना ही फीमेल एक्टर को भी मिलना चाहिए। भाई काम तो दोनों ही कर रहे हैं ना, काम तो दोनों ही कर रहे हैं। सेकेंडली दे हैव सॉट टू री एवेल्युएट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स वर्क टू द फैमिली, ठीक है।
तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई पहली चीज तो आप पेड वर्क के पे मतलब जहाँ पे जॉब प्लेस है, ठीक है, प्लेस ऑफ ऑक्यूपेशन है, प्लेस ऑफ प्रोफेशन है, वहां पर आप इक्वालिटी लाओ तभी मॉडिफाई कर पाओगे। दूसरा, जब आप विमेन के वर्क की फैमिली फैमिली के अंदर जो डोमेस्टिक वर्क है उसको जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसको भी उतनी वैल्यू दीजिए, उसको भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए उस काम को, अदरवाइज आप क्या ही बाउंड्री को रीडिफाइन करोगे। तो ये दो चीजें हैं जो कि फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्रॉस कल्चर रिसर्च हुई सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पे, यानी कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब है आदमी और औरत को उनके जेंडर के आधार पे, उनके बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पर जो है उनको जो है काम अलग अलग दिया। तो ये क्रॉस कल्चर रिसर्च अटेम्प्ट करती है ये समझाने की, डिस्क्राइब करने की कि बहुत सारी विमेन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में है समाज के विद डिफरेंट मोड ऑफ सब्सिस्टेंस, बट ऑल्सो द स्टेटस इम्प्लीकेशन ऑफ दीज ऑन स्टेटस ऑफ विमेन। यानी कि बहुत सारी महिलाएं काफी ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रही हैं समाज के अंदर, ठीक है, विद डिफरेंट मोड ऑफ सब्सिस्टेंस अलग अलग तरीके से, लेकिन फिर भी उनके स्टेटस को सबॉर्डिनेट ही रखा जाता है, क्रॉस कल्चर ये कहता है। फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इस चीज को अलग तरीके से समझाने की कोशिश भी करते हैं, खैर वो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, हमने इतना समझ लिया कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बात करें तो यहां पर हमें पता चलता है कि जेंडर इन्फॉर्म सोशल स्ट्रक्चर, जेंडर क्या बताता है कि सोशल स्ट्रक्चर है किस तरीके का, एज अ सिंबॉलिक कंस्ट्रक्ट, यानी कि जेंडर क्या है, एक सिंबल है, जेंडर एक सिंबल है समाज के स्ट्रक्चर के अंदर, एंड एज अ मेटाफोर फॉर सोशल एक्शन, और सोशल एक्शंस के लिए एक मेटाफोर है, एक एग्जांपल है कि किसको क्या चीज करनी है समाज के अंदर, किसको क्या चीज करनी है। तो जेंडर इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जेंडर समाज के अंदर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि किसको क्या करना है, एंड द बिहेवियर ऑफ वेमेन एंड मैन इन देयर रिलेशंस। तो जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको ये बताता है, ये लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेंडर के द्वारा हम लोगों को ये समझा दिया जाता है कि अच्छा तुम आदमी हो तो तुम्हें ये करना है, तुम औरत हो तो तुम्हें ये नहीं करना है और ये दूसरी चीज करनी है। तो अपने अपने जो है उनको रोल समझा दिए जाते हैं, जैसे कि रोजाल्डो लैम्फेयर जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ऑर्टनर जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जेंडर को आप किनशिप के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं। जेंडर और किनशिप जो है बेसिक सोशल इनइक्वालिटी बनाते हैं समाज के अंदर कि महिलाओं को किस तरीके से प्रॉपर्टी और डिसीजन मेकिंग के जो एक्सेस है वो ना मिले, ठीक है, या मिले तो इनइक्वल हो, ठीक है, ये सारी चीजें। और जेंडर के आधार पे ये बताते हैं कि जेंडर क्या है, जेंडर इज वन सच प्रेस्टीज स्ट्रक्चर, कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर लोगों को अपने जेंडर के हिसाब से अलग से ही प्रेस्टीज, अलग से ही सम्मान मिलता है, मतलब आदमी है तो अलग ही उसकी वैल्यू होगी और औरत है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। दुनिया में हर सोसाइटी में जो ह्यूमन बीइंग है, जहां पर ह्यूमन बीइंग में अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन होगा, या तो आदमी होगा या औरत होगी, ठीक है, ये कंपोज करते हैं तो डिफरेंशियली वैल्यूड टर्म्स, जहां पर मैन बीइंग मैन यानी कि उसको आदमी को हायर हायर चीजें मतलब हायर प्रेस्टीज मिलेगी। मेल प्रेस्टीज इज लिंक टू पब्लिक रोल्स, कि आदमी बाहर के काम करेगा, पब्लिक काम करेगा, और फीमेल प्रेस्टीज डिफाइंड इन रिलेशन टू मैन, कि जो उसके मतलब घर में आदमियों की प्रेस्टीज होगी उसके आधार पे औरत की प्रेस्टीज डिसाइडेड होगी। जैसे कि वाइफ के प्रेस्टीज उसके पति के आधार पर होगी, सिस्टर की प्रेस्टीज उसके भाई के उसके मतलब उसके घर में जितने भी मेल ब्रदर्स हैं उसके आधार पर होगी, माँ की प्रेस्टीज उसके बेटे के आधार पर होगी, समझ रहे। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं जेंडर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, खैर उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, ठीक है, लेकिन आपने कभी भी कहीं फिर भी किसी भी फीमेल प्रीस्ट को देखा है, आपने कहीं पर भी किसी भी मंदिर के अंदर या किसी भी मस्जिद के अंदर या किसी भी चर्च के अंदर आपने प्रीस्ट, ठीक है, आपने कभी भी प्रीस्ट वो देखा है जो महिला हो, ठीक है, महिला प्रीस्ट को देखा है, नहीं देखा, क्यों नहीं देखा होगा, क्योंकि मैम हमने जितना भी अभी तक सोशियोलॉजी में पढ़ाई है, जो प्रीस्टली क्लास होती है ना, क्लर्जी क्लास जिसको बोलते हैं, प्रीस्टली क्लास, ये सबसे ज्यादा प्रेस्टीज जो है ये क्या करती हैं, डिमांड करती हैं, प्रेस्टीज,
है ना। आप देखिए ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी में भी जब हाँ हम बात कर रहे थे वहां पर भी हमने यही पढ़ा था, ठीक है। आप इंडियन सोसाइटी में भी देखिए, आप इवन मुस्लिम सोसाइटी में भी देखिए कि आपको कहीं पर भी महिला मौलवी नहीं मिलेगी, आपको कहीं पर भी महिला मौलवी नहीं मिलेगी, आपको कहीं पर भी महिला मतलब ब्राह्मण महिला पंडित नहीं मिलेगी जो कि सारे के सारे रिचुअल्स परफॉर्म करा रही हो। आपको कहीं पर भी मतलब हो सकता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर के हो सकता है कुछ हो एक आध हो, लेकिन हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। दिस इज दी सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, क्योंकि महिलाओं को कभी वैसे ट्रीट ही नहीं किया गया कि वो उस प्रेस्टीज की हकदार हैं, हमेशा उनको सबॉर्डिनेट समझा गया। इवन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहां महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, इवन गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो ये जो फीमेल स्ट्रक्चर है ये मेल स्ट्रक्चर को एनकम्पास करता है, यानी कि जैसे जैसा मेल स्ट्रक्चर होगा वैसा वैसा ही फीमेल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा उसको। तो ये जो जेंडर को प्रेस्टीज के स्ट्रक्चर से डाला गया है ये बहुत ही सही चीज है, और मतलब सही मतलब कि ये आप देख सकते हैं समाज के अंदर, ये आप समाज के अंदर देख सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कुछ जगह पर कुछ चीजें हुई हैं। तो जेंडर की शुरुआत कब हुई होगी, पहले तो मुझे कोई ये बता दे जेंडर की ओरिजिन कब हुई होगी, ओरिजिन ऑफ जेंडर कैसे आप समझते हैं इस चीज को, कि मैम ये काम के आधार पे हुई होगी, ये सोशल प्रेस्टीज के आधार पे हुई होगी। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आदमी की मतलब अगर औरतें जो है प्रीस्टली क्लास क्लर्जी क्लास में आ गई तो औरतों की रिस्पेक्ट ज्यादा हो जाएगी, उनकी प्रेस्टीज ज्यादा हो जाएगी, तो आदमियों की कम हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी आदमी ये नहीं चाहता होगा उस समय पर, और इसी वजह से इस पैट्रियार्कल माइंडसेट को इतना आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई, तो डिवीजन ऑफ लेबर समझ में आ गया। आगे चलते हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करते हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन अगर आप जनरली देखें तो स्टेटस ऑफ वुमेन आप अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड ऑफ एडप्टेशन से देख सकते हैं, अलग अलग स्टडीज इसके बारे में बताती हैं। और जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन की ही अगर आप बात करें, उसको समझने की बात करें, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप किस आइडियोलॉजी और किस तरीके की सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके की सोसाइटी आइडियोलॉजी और पार्टिसिपेशन ऑफ दी वुमेन कैसे इंटरलिंक हो रहा है। और एटकिंसन करके एक हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो ये समझाते हैं कि इट इज टू फेसाइल टू डिनाई द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शुअल स्टीरियोटाइप्स और टू प्रिज्यूम दैट वुमेन्स इन्फ्लुएंस एंड इन वन कॉन्टेक्स्ट कैंसिल। कहने का मतलब है कि बड़ा ही मुश्किल है कि आप ये चीज डिनाई कर पाओ। क्या चीज डिनाई कर पाओ, कि समाज के अंदर सेक्सुअल स्टीरियोटाइप्स हैं, समाज के अंदर जो सेक्सुअल स्टीरियोटाइप्स हैं, जो संकुचित सोच है महिलाओं को लेके, वो उनके ऊपर प्रभाव डालती है। एक ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रभाव डालती है। पेट्रियार्की ही क्लास इनइक्वेलिटी को प्रसीड करती है, यानी कि क्लास इनइक्वेलिटी तब आती है जब पेट्रियार्की पहले हो चुकी होती है। महिलाओं के केस में पेट्रियार्की ज्यादा है, प्रसीड्स क्लास इनइक्वेलिटी, क्लास इनइक्वेलिटी कम है, पेट्रियार्की का जो माइंडसेट है वो ज्यादा है। विमेन का स्टेटस जो है इट इज नॉट अ यूनिटरी फिनोमेना अक्रॉस कल्चर, ठीक है। वेमेन का स्टेटस जरूरी नहीं है कि एक यूनिटरी फिनोमिना हो, अलग अलग जगह पर अक्रॉस द वेरियस कल्चर्स अलग अलग फिनोमिना यहां पर है। कुछ समाज हैं जो कि महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन लेकिन वर्क प्लेस की ही बात करें तो वहां पर मेल डोमिनेंस ज्यादा होती है। नए फॉर्म की सबॉर्डिनेशन आपको देखने के लिए मिलती है जब आप जेंडर एसिमेट्री की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि पेट्रियार्कल कंट्रोल को आप खत्म कर दो, अनडिस्टर्ब कर दो, लिविंग पेट्रियार्कल कंट्रोल अनडिस्टर्ब, यानी कि उसको छेड़ो नहीं, तो भी आपको नए नए तरीके के सबॉर्डिनेशन देखने के लिए मिलते हैं। इंडस्ट्रियल वर्क में भी अगर हम बात करें तो आदमियों को ज्यादा प्रिविलेज मिलती है, उनके पास में ज्यादा कंट्रोल होता है अर्निंग्स का भी और सोशल पावर का भी, जबकि औरतें उनकी डिपेंडेंट ही रहती हैं। ये स्टेटस ऑफ वेमेन है, ठीक है। तो अब ये जो क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव है, क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव, उसके कई सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि लीला दुबे जो कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, एलेनोर लीकॉक, शिर्ले अर्बडेनर,
ये सब लोग इस चीज पर फोकस करते हैं कि भाई ये विमेन को इतना इनसिग्निफिकेंस क्यों माना गया है, इतना इनसिग्निफिकेंट माना गया है, इतना पैसिवली क्यों ट्रीट किया जा रहा है, और मेल को, मैन को इतना प्राइमरी क्यों माना जा रहा है। तो लीला दुबे जी ने ऑब्जर्व किया कि मेकिंग विमेन इनविजिबल, महिलाओं की तरफ देखना भी नहीं, उनको मतलब अपने फोकस में भी नहीं लाना, डिस्पाइट देयर ऑब्वियस प्रेफरेंस एंड इफेक्टिव विजिबिलिटी, इज रूट कॉज ऑफ देयर लो स्टेटस इन सोसाइटी। कि भले ही वो कितना भी इफेक्टिवली काम कर लें, कितना भी जो है आप उनको वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, बट मेकिंग वीमेन इनविजिबल, कभी भी उनके काम को सराहा नहीं जाएगा और कभी भी उनके काम को वो तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो ये रूट कॉज है क्या, लो स्टेटस इन दी सोसाइटी, उनका, महिलाओं का जो लो स्टेटस है वो इसकी वजह से है। इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर, आप कैसे कह सकते हैं इसको, आप जेंडर की रिजीम, उसकी सत्ता, उसकी प्रभुता के आधार पर समझ सकते हैं। जहां पर अब बात करते हैं आइडियोलॉजीज की, आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस और मटेरियल प्रैक्टिसेस के द्वारा जब हम समाज के अंदर देखते हैं तो वहां हम मैस्कुलिनिटी की इमेज को ज्यादा देखते हैं रादर देन फेमिनिटी। हर कोई जो है मैस्कुलिन बनना चाहता है और देयर बाय हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी समाज के अंदर आती है। अकॉर्डिंग टू कैबीर, बायोलॉजी इज जेंडर एज वेल एज सेक्स्ड। तो आप जेंडर की भी बात करते हैं और एक जगह हम सेक्स की भी बात करते हैं, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल जब ट्रांसलेट हो जाते हैं मैन एंड विमेन में, बेस्ड ऑन म्यूचुअली इंक्लूसिव ट्रेट्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, कि मेल और फीमेल ये आपका क्या था, सेक्स था। मतलब कि जब आप पैदा हुए तो या तो आप एज अ मेल पैदा हुए या फीमेल पैदा हुए। जब ये आपके आपकी कैरेक्टरिस्टिक, आपकी ट्रेट्स को बताता है कि आप मैस्कुलिन हो गए हो, यानी कि आप जो है मेल डोमिनेंस के हिसाब से या फिर मेल थॉट्स के हिसाब से सोच रहे हो, तो आप जो है मैन में डेवलप होते हो। और जब आप के अंदर करेज की जगह आपके अंदर क्या आता है, करेज की जगह आपके अंदर लव होता है, आपके अंदर कंपैशन होता है, दया होती है, एम्पथी होती है, तो इसको विमिनिश ट्रेट्स बोला जाता है, फेमिनिटी का इसको सिंबल बोला जाता है। जैसे आपने कई सारे आदमी ऐसे देखे होंगे जिनको आप कहते होंगे कि क्या यार ये क्या विमिनिश एक्ट कर रहा है, क्या औरतों की तरह हरकतें कर रहा है। औरतों की तरह हरकतें मतलब क्या है, या फिर कई बार आपने ऐसी फीमेल को कई बार आपने ऐसी फीमेल्स को देखा होगा जिनको आप कहते होंगे कि यार ये तो बड़ी रॉक सॉलिड है, ये तो बड़ी मतलब मैस्कुलिन है। ये जो मैस्कुलिन और फेमिनिटी के ट्रेट्स हैं कि अगर आप मतलब करेजियस हैं, अगर आप बोल्ड हैं, अगर आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं फिजिकली, तो आप मैस्कुलिन हैं। और अगर आपके अंदर करेज की जगह, अगर आपके अंदर करेज की जगह क्या है, अगर आपके अंदर लव है, कंपैशन है, एम्पथी है, दया है, तो आप फेमिनिन हैं। तो ये चीज़ मतलब कहते हैं ना कि लड़के हो रो नहीं सकते और रोना धोना लड़कियों का काम है। तो ऐसे कैसे मतलब डिफाइन कर दिया गया कि रोना धोना, मतलब रोना इज अ प्रोसेस, मतलब अगर कोई फील सैड कर रहा है तो वो रो सकता है। मतलब ऐसा अगर नहीं होता कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए तो भगवान कभी लड़कों को आंसू वाला ये जो सिस्टम है वो देते ही नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो जेंडर है मेल और फीमेल को जो ट्रांसलेट करता है मैन एंड वुमेन में, डिपेंड ऑन द ट्रेट्स, ट्रेट्स जो कैरेक्टरिस्टिक है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी की। तो विमेन को टू फोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन में जोड़ा गया है। पहला टू फोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कि एक आदमियों के हिसाब से क्या है और एक इन रिलेशन टू अदर विमेन क्या है। एक तो मतलब जनरली आदमियों के हिसाब से क्या है और दूसरा इन रिलेशन विद अदर विमेन क्या है। तो ये दो चीजें, विमेन आर अटैच टू अ टू फोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। और एक अपने सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने चार रीजन भी बताए हैं कि क्यों ये डिवीजन होता है, क्यों ये समाज के अंदर डिवीजन होता है, उसके भी कारण बताए हैं। पहला जैसे कि इन्होंने बताया है कि यहां पे सप्लाई ऑफ गेम, वेरिएबिलिटी इन दी सप्लाई ऑफ गेम, डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि बिल्कुल एकदम प्रिमिटिव सोसाइटी में चले जाएं तो हम देखते हैं कि आदमी और औरतें दोनों ही हंटिंग गैदरिंग में जो है अलग अलग तरीके की स्किल्स जो अप्लाई करते थे। बिटवीन कैरिंग बर्डन एंड हंटिंग द स्मॉल साइज ऑफ सेमी नॉर्डिक फॉरेजिंग पॉपुलेशन, यानी कि आदमी जो है एकदम बड़े शिकार पे जाएंगे, औरतें छोटे शिकार पे जाएंगी।
डिस्पाइट द कॉमन एजम्पशन दैट मैन हंट एंड वुमेन गैदर, तो वहां पर भी उनका काम जो है अलग से निर्धारित किया गया था कि आदमी हंट करेगा और औरतें इकट्ठा करेंगी। मतलब जो अगर मान लीजिए कि आपने चीता मार दिया, आपने हिरन मार दिया, आपने तेंदुआ मार दिया, औरतें उसको उठा के लाएंगी। खैर उस टाइम पे देयर वाज नो शार्प डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, लेकिन आप देखो कि बस इतना इतना डिवीजन तो था ही। लेकिन तीवी ऑस्ट्रेलियन, ये जो ट्राइब्स है, तीवी एक ट्राइब है ऑस्ट्रेलिया की जो कि मेलवॉयल आइसलैंड में आइलैंड में रहते हैं नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे आप देखें तो ये चीज जरूरी नहीं है कि सिर्फ आदमी हंट करे, वहां आदमी और औरतें दोनों ही हंट करते थे, दोनों ही गैदर करते थे। यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटीज में उतना स्ट्रेटिफिकेशन नहीं था, ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटीज में उतना स्ट्रेटिफिकेशन नहीं था। लेकिन धीरे 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 जैसे ही इकोनॉमिक एसेट्स जुड़ने लगे, जैसे ही सोर्स ऑफ वेल्थ जुड़ने लगा, जैसे ही आदमी की प्रेस्टीज की बात आ गई, वैसे ही क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। क्योंकि इन द प्रिमिटिव क्लासेस औरत को कंसीडर किया जाता था एज अ इकोनॉमिक एसेट, एज एन इकोनॉमिक एसेट। एसेट क्या होता है, आपकी संपत्ति, आपके पास जो है, एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ और एज अ प्रेस्टीज ऑफ मैन, कि हमारा सम्मान है, मतलब हमारे घर की औरतें हमारा सम्मान है, कहीं पर उसको सोर्स ऑफ वेल्थ की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कहीं पर उसको इकोनॉमिक एसेट की तरह, मतलब सब कुछ तरीके से ट्रीट कर रहे हो एक्सेप्ट दी ह्यूमन बीइंग। विमेन को सोशल स्टेटस अक्वायर था, और कई बार कई समाजों में आपने ऐसा देखा है जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं स्पेशली, वहां पर हम ये भी देखते हैं कि विमेन कैन बी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, कि ये जो है समाज के अंदर, अपने ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर ये समाज की पॉलिटी, मतलब आप कैसे हैं, डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करती थी। लेकिन अंतर बस यही है, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना और खुद डिसीजन लेना दो अलग चीजें हैं। डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना यानी कि आप किसी के डिसीजन को बदलने की शक्ति रखती थी, आज भी रखती हैं, लेकिन उस समय पर भी आप डिसीजन नहीं ले सकती थी। तो टीवी कल्चर का उदाहरण देते हुए यहां पर कई सारे सोशियोलॉजिस्ट ने हमको बताया है, टीवी कल्चर में बताते हैं कि ऑलमोस्ट टीवी कल्चर के अंदर मैन एंड वुमेन वर इक्वल, इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन थी। इवन यहां पर अगर आप फिलीपींस के अंदर भी देखें तो वुमेन एंजॉय ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी विद देयर मैन कंपेयर टू टीवी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि टीवी जो ट्राइब है उससे ज्यादा फिलीपींस की जो नॉर्थ ईस्टर्न ल्यूसोन ट्राइब थी वहां पर भी सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी काफी ज्यादा थी, और इस वजह से दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहता था डेली फूड सप्लाई में। ऑल्सो वुमेन कंट्रीब्यूट कंट्रोल करती थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड को, कि किसको कितना खाना मिलेगा, मतलब मान लीजिए कि मेरे पास चार चपाती हैं और मेरे घर में दो बच्चे हैं खाने के लिए, मतलब चार लोग हैं, तो सबको एक एक मिलेगा या सिर्फ बच्चों को दो दो मिल जाएगा, ये डिसीजन भी औरतें ही लेती थी। एंड दिस चैलेंज द वाइडली हेल्ड नोशन ऑफ फॉरगोइंग सोसाइटीज प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर आर इनकॉम्पेटेबल विद हंटिंग। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि दिस चैलेंजेस द वाइडली हेल्ड नोशन, कि जब ये सारा कंट्रोल था इनके हाथ में तो फिर प्रॉब्लम कहां से आनी शुरू हुई होगी, कि व्हेन फॉरेजिंग सोसाइटीज प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर वाली ये जो सिचुएशंस आई तो सोसाइटी ने वुमेन को इनकॉम्पेटेबल माना फॉर हंटिंग। दे हैव डेवलप्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन टू एड देम इन स्पेसिंग देयर चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में उम्र का अंतर रखने के लिए इन्होंने अपने खुद के जो है तरीके इजाद किए। अगर आप बात करें हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज की जहां पर खेती वगैरह होती है, वहां पर हैंड टूल टेक्नोलॉजी जो है विमेन के ही द्वारा क्या की गई थी, सबसे ज्यादा यूज करी गई। कल्टीवेशन और फार्मिंग के लिए हैंड टूल टेक्नोलॉजी का यूज होता था, और विमेन जो है क्या है, खेती में और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज दे यूज देयर हार्ड लेबर। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अब हम देखते हैं
कि अपनी अपनी एक सोशियोलॉजिस्ट ने कल्पना प्रधान करके, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए क्या है कि इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, बस ये देखो कि नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहती है कि ऑल्दो द फीमेल ऑल्दो द फैमिली इज साइलेंट यूनिट ऑफ एनालिसिस। जब हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बहुत ही अलग अलग तरीके के आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, कास्ट के आधार पे, क्लास के आधार पे, रेस के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, एज सेट सिस्टम के आधार पे। हम कभी भी फैमिली के आधार पर जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का अध्ययन नहीं करते हैं, जबकि जबकि स्ट्रेटिफिकेशन की बेसिक यूनिट अगर देखो तो घर से ही शुरू होती है। यानी कि वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन एट होम, तो स्ट्रेटिफिकेशन ऑल्सो बिगिन एट होम। घर में ही जब आप मेल और फीमेल, महिला और पुरुष के बीच में अंतर करते हैं, वहीं से समाज के बीच में स्ट्रेटिफिकेशन का शुरुआत हो जाती है। जब हम बात करते हैं डिवीजन बाय सेक्स की, जब हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन की, जब हम बात करते हैं कि इसकी वजह से आपका जो घर है वो, मतलब परिवार एज अ यूनिट कैसे स्टेबल और कैसे डायनेमिक होता है, तो यहां पर स्ट्रेटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। तो ये कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी के अंदर अगर देखा जाए तो फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जहां पर द रोल ऑफ किनशिप, फैमिली एंड एवरीडे रिलेशन, जहां पे आप देखेंगे कि मेल जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है और फीमेल सबॉर्डिनेट होती है, आप देखेंगे कि यहीं पर जो है इनइक्वलिटी सबसे पहले आ जाती है। माइकल मैन ये भी कहते हैं कि पैट्रियार्की, इकोनॉमी और क्लास स्ट्रक्चर, ये तीनों चीजों को जो है डिस्कस किया जाना चाहिए जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। ये कहते हैं कि विमेन परसिस्ट डिस्पाइट इन्वॉल्वमेंट ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स के अंदर विमेन का रोल कम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर विमेन का रोल कम है, एंड प्रोसेस ऑफ फेमिनिज्म के अंदर भी विमेन का रोल कम है, उसके लिए भी आदमी ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। इंडियन सोसाइटी को दो जातियों में बांटा गया है, पुरुष जाति और स्त्री जाति। जाति मतलब क्या है? जाति मतलब आपकी कम्युनिटी। तो यहां पर विमेन के लिए चार तरीके हैं, किस तरीके से, मतलब कैसे डील किया जाता है विमेन को। तो नीता कुमार ने बताया है ये कि बाय मेकिंग विमेन द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन गेज, बाय सीइंग विमेन एज एक्टर एंड सब्जेक्ट, बाय गिविंग देम प्रोरोगेटिव मेल्स, बाय फोकसिंग ऑन द पैट्रियार्कल आइडियोलॉजिकल डिस्कर्सिव विद इन विमेन, विच विमेन एग्जिस्ट एंड विच सीमली कंट्रोल देम विदाउट अ चांस टू गेट आउट बाय देम। अलग अलग चीजें चार बताई हैं कि पहला तो ये ह्यूमन गेज का विमेन को ऑब्जेक्ट मानते हैं, विमेन को सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, जो कि मेल्स की संपत्ति की तरह होता है। दूसरा, पैट्रियार्कल सिस्टम बहुत ज्यादा है, आइडियोलॉजीज बहुत ज्यादा इस तरीके से हैं जहां पर विमेन को डिस्कर्सिव तरीके से ट्रीट किया जाता है। तीसरा, विमेन को अपनी संपत्ति मानते हैं तो उसके ऊपर कंट्रोल बना के रखते हैं और विदाउट अ चांस टू गेट आउट ऑफ देम, उनको कोई भी अधिकार नहीं होता इस पूरी व्यवस्था से बाहर निकलने का। और विमेन को अपनी संपत्ति मान के अपनी जो पितृसत्तात्मक सोच है वो उनके ऊपर थोपते हैं, एक्सरसाइज करते हैं देयर एजेंसी। देयर एजेंसी मतलब अपनी सोच को एक्सरसाइज करते हैं। तो इन्होंने कई सारे क्वेश्चंस भी उठाए थे, खैर वो अपने लिए उतने काम के नहीं है। तो ये चार तरीके आप ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज महात्मा गांधीज पर्सपेक्टिव। महात्मा गांधीज पर्सपेक्टिव वॉज कि विमेन हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग्स बिकॉज शी इज द मदर ऑफ मैन। महात्मा गांधी ने यह बोला कि विमेन जो है उसके पास में ना सहने की अपार क्षमता है, क्योंकि उसने इंसान को जन्म दिया है, उस समय पर भी सहा है, तो वो सहने की बहुत ज्यादा क्षमता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिकली एग्जामिन किया गया है। क्रिटिकली एग्जामिन यानी कि इसकी आलोचना करते हुए इसको एग्जामिन किया गया है। जॉना डेलेडल और रमा जोशी नाम के दो सोशियोलॉजिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि इंडियन विमेन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं इंटरकनेक्शन बिटवीन जेंडर, कास्ट एंड क्लास की, तो हम कई सारी चीजों को देखते हैं कि पेट्रियार्कल अपर कास्ट जो है तो वो कास्ट से भी बनी हुई है ना, वहां स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट के आधार पे भी है और जेंडर डिवीजन के आधार पे भी है। यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ जेंडर के आधार पे नहीं है समाज में, जेंडर के आधार पे भी है, कास्ट के आधार पे भी है, क्लास के आधार पे भी है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कास्ट में कम है और महिला है, ठीक है, और गरीब है, गरीब, लो कास्ट और महिला,
तीनों तरीके से ही इसकी ट्रिपल इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी की पावर 3 हो जाती है इसके लिए। एक तो कास्ट में भी कम है, दूसरा पैसे भी नहीं है, और तीसरा महिला है। तो सबसे ज्यादा इनइक्वली ट्रीट ऐसे लोगों को किया जाता है। इकोनॉमिक सुप्रीमेसी को कंसोलिडेट करने वाले लोग अपनी अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अगर आप बात करेंगे दलित महिला की, दलित महिला जो कि गरीब भी है, तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि स्टेटस एसिमेट्री ऑफ जेंडर, एक तो जेंडर में भी क्या है, इक्वालिटी नहीं है, सिमेट्री नहीं है, और फिर जो है उसकी वजह से क्या होता है, कास्ट, अगर मतलब मान लो कास्ट में भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम मतलब कि कास्ट में भी आप जो है लैग कर रहे हो समाज के इस स्ट्रेटिफिकेशन के आधार से, तो फैमिली वैल्यूज भी आपको कुछ अलग ही मिली होंगी, मतलब हर तरीके की कास्ट में अपनी कुछ फैमिली वैल्यूज होती हैं। तो जेंडर और कास्ट दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किसी क्लास को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक जो अमीर व्यक्ति है और अगर वो मतलब कास्ट में कमतर है, मतलब लो कास्ट है या दलित है, तो उसको आप उतना एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे जितना ज्यादा आप एक गरीब व्यक्ति को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। तो क्लास एक्सप्लॉयटेशन में हम ये भी देखते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है, और उस आधार पे हम और ज्यादा क्या करते हैं, और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जेंडर एंड कास्ट देखकर भी। तो इंडियन सोसाइटी की विमेन की अगर बात करें तो वो कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिक बाउंड्री हर तरीके से स्ट्रेटिफाइड है और कोई भी जनरलाइजेशन नहीं है उनके स्टेटस का। विमेन को स्ट्रेटिफाई किया गया है, जो दलित सेक्शन से विमेन है उनको उनको ट्रिपल ऑपरेशन जो है झेलना पड़ता है, ट्रिपल ऑपरेशन, ट्रिपल एक्सप्लॉयटेशन, वही बताया मैंने भी आपको, कास्ट का ऑपरेशन क्योंकि दलित है, क्लास का ऑपरेशन क्योंकि गरीब है और महिला है वो तो है ही, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो ऐसा भी देखा गया है समाज के अंदर कि वर्क इज प्राइम मूवर ऑफ विमेन्स स्टेटस, कि महिला किस तरीके का काम करती है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनके स्ट्रेटिफिकेशन में, बिकॉज देयर इज अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल हायरार्की एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फीमेल वर्क पैटर्न एंड एम्प्लॉयमेंट मोड्स। कि इकोनॉमिक भाई किस तरीके का काम कर रही है उसके आधार पे जो है वो उसको सैलरी मिलती होगी, वेजेस मिलती होंगी, पैसा अर्न करती होगी। सोशल हायरार्की में कहाँ है वो तो हमने देख ही लिया, और काम में जो पैसा मिल रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन वर्क पैटर्न क्या है ये भी अपने आप में एक प्राइम मूवर है। वर्क पैटर्न भैया पैसा मिल रहा है वो चीज ठीक है, लेकिन काम कैसा है, आदमी के काम को आप जज नहीं करते हो लेकिन महिला के काम को जो है जज करते हैं। तो कास्ट ऑपरेशन हो गया एक अपने पास, एक क्लास एक्सप्लॉयटेशन हो गया, एक जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, ये सारी चीजें जो है सारी की सारी मिल जाती है। और जब हम इंडियन फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बात समझ में आई? तो जेंडर एंड स्ट्रेटिफिकेशन में ये पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। हाँ, यहां पर हमको देखने को मिलेगा, करुणा अहमद एक आपकी सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 5 कुछ चीजें फाइंड आउट करी हैं, 5 ट्रेंड्स हैं जो कि विमेन एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स बताते हैं कि महिलाएं जो है एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो क्लस्टरिंग ऑफ विमेन इन अ फ्यू ऑक्यूपेशन पहला है। क्लस्टरिंग मतलब इकट्ठा होना, विमेन आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगी, छोटे छोटे ऑक्यूपेशन में। क्लस्टरिंग ईदर इन लो स्टेटस ऑक्यूपेशन, वो लो स्टेटस का काम हो सकता है, और लोअर प्रेस्टीज का काम हो सकता है, वहां पे आपको ज्यादा मिलेंगी, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में हो गई, जैसे कि डोमेस्टिक वर्क में हो गई। विमेन रिसीव लोअर सैलरी देन मैन, ठीक है, कहीं पर भी आप देख लीजिए किसी भी तरीके के काम में महिलाओं को लो सैलरी मिलती है आदमियों के कंपेरिजन में। चौथा, हाई प्रपोर्शन ऑफ हाईली एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल ट्रेंड अनएम्प्लॉयमेंट विमेन, ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि महिलाएं जो कि हाईली एजुकेटेड हैं और प्रोफेशनली ट्रेंड भी हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज कर रही हैं, पढ़ रही हैं लड़कियां आजकल, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयड हैं वो, अनएम्प्लॉयमेंट है वो, उनकी जगह पर मतलब उनके मेल काउंटर पार्ट्स को नौकरियां ज्यादा मिल रही हैं, ठीक है। आगे चले, उसमें कई कारण हो सकते हैं, माँ बाप भेजना नहीं चाहते घर से बाहर, फीमेल सिक्योरिटी की भी बात आ जाती है, ये 4-5 चीजें हैं जो कि हमें यहां देखने के लिए मिलती हैं। अब कास्ट एंड जेंडर की बात करेंगे तो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं कास्ट के। कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कास्ट जो है एक्सक्लूजन करती है, बांटती है लोगों को। किस आधार पर बांटती है? कि पहले ये जो कास्टिज्म शुरू हुआ था वो ऑक्यूपेशन के आधार पर हुआ था, फिर बाई बर्थ हो गया। अब कास्ट जब लोगों को बांटती है तो कास्ट में हर कास्ट के अपने रूल हैं जो कि मैरिज को
क्या करते हैं, गवर्न करते हैं मैरिज, कि आप किससे विवाह कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है एक से मतलब दूसरी कास्ट से अपने आप को अलग कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में भी आप देखेंगे कि आप साथ नहीं बैठेंगे, साथ नहीं खाएंगे, वैसे वाले रूल्स। हायरार्की की बात करें तो हायरार्की वो ऑर्डर है, वो रैंकिंग है जो कि आपको आपकी कास्ट के स्टेटस के आधार से मिलती है, वो प्रिंसिपल है जो कि आपकी कास्ट का स्टेटस तय करती है। और तीसरा है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि हर समाज में कोई भी कितना भी जो है बटा हुआ हो, लेकिन यहाँ कास्ट जो है भारतीय समाज में लोगों को उनके काम के आधार से बांटती है, डिवीजन ऑफ लेबर के आधार से बांटती है, विच इज क्लोजली टाइड टू हायरार्की एंड सेपरेशन। कि जिसकी ऑर्डर, जिसकी रैंकिंग समाज में ऊपर होगी उसको काम वैसा अच्छा मिलेगा, जिसकी रैंकिंग कम होगी उसको उतना जो है कमतर काम, उसको निम्न वर्ग का काम उतना मिलेगा। सेपरेशन डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पे भी होता है। और ये जो तीन चीजें हैं, तीन प्रिंसिपल हैं कास्ट सिस्टम के, ये तीनों प्रिंसिपल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इट इज बेस्ड ऑन द किनशिप सिस्टम, फैमिली सिस्टम। विमेन्स लाइव्स आर लार्जली लिव्ड विद फैमिलियल पैरामीटर्स। विमेन का जो जीवन है वो उसकी फैमिली के आधार पे जो है डिसाइडेड होता है, कि फैमिली और हाउस होल्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, और वही जो है डिसाइड करते हैं उनका स्टेटस इन दी सोसाइटी। विमेन का जो काम है वो कंट्रीब्यूट करती हैं अपनी ऑक्यूपेशनल कंटिन्यूटी ऑफ अ कास्ट ग्रुप, कि जो उनकी कास्ट का काम होगा, जो उनकी कास्ट जिस तरीके का काम कर रही होगी, जो उनको असाइंड होगा, महिला भी उसी तरीके के काम में कंट्रीब्यूशन देगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पॉटरी मेकर है, कुम्हार है, तो महिला भी वही वो पूरा पूरा दिन मिट्टी विट्टी गूदेगी, पानी वानी मिला के मिट्टी सेट करेगी फॉर दी पॉटरी मेकर टू मेक दी पॉटरीज, कुम्हार के काम के लिए। बास्केट वीविंग एक ज्वाइंट कलेक्टिविटी है जहां पे महिलाएं और पुरुष दोनों ही मिलके साथ में काम करते हैं, और महिलाएं किसी भी तरीके से अपने कास्ट के अकॉर्डिंग जो भी उनका ऑक्यूपेशन होता है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर लेवल पे जो है क्या करती है, सपोर्ट करती है। रूरल एरियाज में आप देखेंगे तो विमेन जो है घर का काम भी करती हैं, खेती का काम भी करती हैं, इवन अगर कोई फैमिली शॉप है तो उस पर भी बैठ के उस पर भी काम करती हैं। ठीक है, अगर शॉपकीपर है कोई परचून वाला है तो वहां पर मसाले पीसना, ठीक है, फ्राइज, फ्रिटर्स, प्रिजर्वर्स, सेल, ये सारी चीजों में अपनी भागीदारी देती हैं। जजमानी रिलेशन आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, जजमानी रिलेशन में जहां पर बहुत ही कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम होता है आर्टिसन और सर्विस कास्ट के बीच में, आर्टिसन और सर्विस कास्ट का अपने लैंड ओनर के लिए, कल्टीवेटर के लिए, ट्रेडर के लिए जजमानी सिस्टम कहते हैं इसको। मतलब कि जिसके पास में जमीन है, ठीक है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हो, बदले में वो आपको आपकी लाइफ के बेसिक एसेंशियल्स दे रहा है। रिलेशन ऑफ एक्सचेंज कहते हैं इसको अमंग द ऑक्यूपेशनल कास्ट, और ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज का मेन फीचर हुआ करता था, फंक्शन करता था एट द लेवल ऑफ फैमिली, यानी कि पूरा का पूरा परिवार जो है उसी चीज में लग जाएगा। मैन और वुमेन दोनों ही सर्विसेज देते थे अपने अपने अलग अलग तरीके के काम करके। और इंडिया के हर रीजन में जहां पर इट वॉज स्पेसिफाइड के अनटचेबल कास्ट हुज वुमेन वर्क एज मिडवाइव्स, तो जो अनटचेबल कास्ट थी उनकी जो महिलाएं हैं उनकी उनका उनका काम क्या है, एज अ मिडवाइव होगा। मिडवाइव मतलब कि ये औरतें अपनी ही कास्ट के पुरुषों के साथ में मिलके उनके एसेंशियल टास्क को क्या करेंगी, शेयर करेंगी, और क्या करेंगी, अपर कास्ट का, अपर और क्लीन कास्ट का क्या है, पॉल्यूशन रिमूव करेंगी, ठीक है, उनका एक्सक्रीटा साफ करेंगी। द बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट विच टाइज लेबरर्स टू देयर मास्टर इज अंडरस्टूड टू इंक्लूड द सर्विसेज ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि बॉन्ड अगर आदमी करके आया है तो उसमें ये जनरली मान लिया जाएगा कि औरत के लिए भी वो सर्विसेज, वो बॉन्ड क्या है, एप्लीकेबल है। तो नेसेसिटी ऑफ कंटिन्यूइंग विद ऑक्यूपेशनल वर्क इज एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ मैरिंग विद इन द कास्ट, और इसीलिए जो है महिलाएं अपनी सेम कास्ट में ही, उनको सेम कास्ट की महिलाओं से ही शादी करते थे लोग। क्यों? क्योंकि सेम कास्ट की महिलाओं से शादी करेंगे तो जो आपका ऑक्यूपेशन है उसी को वो भी फॉलो करेंगी विद इन द पैटर्नेलियन लिमिट्स, पितृसत्तात्मक लिमिट्स के अंदर रह के, और उनके ऊपर भी वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, लागू होंगे, इम्पोज्ड होंगे, और उनको जो है क्या है, कंट्रोल इजीली कर लिया जाएगा। विमेन की एजुकेशन की बात करें तो विमेन की एजुकेशन को भी रेस्ट्रिक्टेड रखा गया काफी समय तक,
क्योंकि अगर महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो वो सारे काम नहीं करेंगी, कीपिंग द वर्क डिमांड एंड मैरिज मार्केट इन माइंड, क्योंकि वर्क की डिमांड थी। अगर महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो शायद वो काम नहीं करेंगी, या अगर आप महिलाओं को पढ़ा लिखा दोगे तो हो सकता है कि वो अपनी जाति के किसी दूसरी जाति में शादी कर लें, तो मैरिज मार्केट को भी दिमाग में रखा गया। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा डिफिकल्ट टाइम्स में आप देखोगे तो जो एससी दलित विमेन हैं वो स्केवेंजिंग करती हैं, ठीक है, बट नॉट दी मैन। अगर आप देखें माइग्रेंट फैमिलीज में देखें तो विमेन क्या करती हैं, प्रिंसिपल सपोर्टर होती हैं फैमिली की, क्योंकि पति तो माइग्रेंट बन के जा चुका होता है किसी शहर में कमाने के लिए, तो महिला क्या कर रही होती है, पूरे परिवार को संभाल रही होती है। बट कंट्रोल जो है वो तब भी पुरुष के ही हाथ में होता है। सोशल और रिचुअल मैटर्स में महिला जो है पति से डिस्कस करके या मेल से डिस्कस करने के बाद ही कुछ ना कुछ डिसीजंस लेती है, या फिर अपने नेबर से डिस्कस करने के बाद डिसीजन लेती है, नेबर में जो मेल होते हैं उनसे। फूड एंड रिचुअल्स की अगर आप बात करें तो फूड के अंदर भी आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, प्योरिटी और पॉल्यूशन वाली। ये हम पेपर वन में पढ़ेंगे क्या है प्योरिटी पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। जब हम प्योरिटी और पॉल्यूशन की बात करते हैं, यह भी परिवार से घर से ही शुरू होता है। खैर इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगे, ये प्योरिटी पॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को हम बाद में पढ़ेंगे। तो खैर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि जेंडर और स्ट्रेटिफिकेशन कितने कितने तरीके से हम देख सकते हैं। इंडियन सोसाइटी का भी हम पढ़ रहे हैं, जहां पे मैंने आपको पहले बताया शूद्र और महिलाओं को वेद पढ़ने की क्या नहीं थी, अनुमति नहीं थी। ट्रेडिशनली वेमेन ऑफ ट्वाइस बॉर्न कास्ट, ट्वाइस बॉर्न मतलब कि एक बार एक कास्ट में जिसमें आपका जन्म हुआ है और एक कास्ट जिसमें आप शादी करके जा रहे हैं, ठीक है, उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता था। यानी कि महिलाएं और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते थे, यानी कि महिलाओं को शूद्र के इक्वल रखा गया, क्योंकि दो बार उनका होता है ना, एक बार जन्म के बाद मतलब पिता के आधार पर उनकी कास्ट डिसाइड होती है और एक बार पति के आधार पर। तो मैरिज एंड सेक्शुअल रिलेशन कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल एरेना इन विच कास्ट इम्प्लिजन ऑन विमेन्स लाइफ। तो ये दो चीजें जो है महिलाओं की लाइफ में जो है उनके ऊपर कास्ट वाला ये जो इनइक्वालिटी थोपती थी, पहला उनका मैरिज और दूसरा उनका सेक्सुअल रिलेशन। और महिलाओं को भारतीय समाज में आपने देखा होगा, इट वॉज नॉट अलाउड देम टू इंटरेक्ट विद द अपोजिट सेक्स, ठीक है, उनके बिहेवियर को रिस्ट्रेन किया गया और उनको बोला गया कि इट इज जस्ट बिकॉज टू एम्फेसिस ऑन योर प्योरिटी, आपको महिलाएं वल्नरेबल हैं, महिलाएं जो हैं उनकी प्योरिटी उनकी सैंक्टिटी बरकरार रखे, इसलिए वो उन्हें अनुमति नहीं थी कि वो अपोजिट सेक्स के साथ में, मतलब अपोजिट सेक्स यानी कि अपोजिट मतलब महिलाएं हैं तो पुरुष के साथ में इंटरेक्ट करें, लिमिटेड इंटरेक्शन। और ये पूरे इंडियन सोसाइटी का सीन है, सिर्फ हिंदू सोसाइटी का नहीं, पूरे इंडियन सोसाइटी का, ठीक है। सो कंट्रोल किया गया, सो द स्ट्रॉन्ग पैटर्निटी इन नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूशनलाइज कंट्रोल ऑफ सेक्सुअलिटी एंड फर्टिलिटी ऑन ऑफ वुमेन, इवन वुमेन की फर्टिलिटी को तक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कितने बच्चे करने हैं, कितने बच्चे हमें चाहिए, कोई महिला से नहीं पूछता कि उसको कितने बच्चे चाहिए। सो इन द केस ऑफ एन अनअटैच्ड वुमेन प्रेगनेंसी इज अ डिजास्टर बिकॉज इन पैटर्नेरियल सोसाइटी द इश्यू ऑफ कास्ट बाउंड्रीज एंड हर ओन प्योरिटी आर इन्वॉल्व, ठीक है, इन द केस ऑफ एन अनअटैच्ड वुमेन। मतलब मान लीजिए कोई लड़की है, शादी वादी नहीं हुई है, लेकिन शी बिकम प्रेग्नेंट, तो उसको पितृसत्तात्मक सोसाइटी में डिजास्टर की तरह देखा जाता है, ठीक है, उसकी प्योरिटी और उसकी सेंक्टिटी को मतलब माना जाता है कि ये तो पूरा का पूरा खत्म ही हो गई। तो ग्रोइंग अप एज अ फीमेल चाइल्ड, ये बहुत सारे कंट्रोल्स आपने देखे होंगे, अपने जीवन में भी देखा होगा। यहाँ पर आपको फैमिली के आइडियल्स के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर आपको फीमेल की मॉडेस्टी के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि मतलब फीमेल की वर्जिनिटी कितनी ज़्यादा मतलब आपके स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ में अटैच्ड है, ठीक है। अगर अनमैरिड वीमेन है लेकिन वर्जिन नहीं है तो दैट इज मतलब आपने पूरा वैल्यूज जो है खत्म कर दिए अपने परिवार के, ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं। एंड वेमेन आर एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है टू रिटेन द प्योरिटी ऑफ कास्ट, कि मतलब अपनी तो अपनी, परिवार की तो परिवार की, पूरी कास्ट की जिम्मेदारी उनके ऊपर है एट ऑल लाइफ स्टेजेस। अब हम बात करते हैं यहां पर जो दो दिन पहले ही किया है हमने, द प्री प्यूबर्टल फेज
इज लुक्ड अपॉन एज इंट्रिंसिक प्योरिटी स्टेज। प्यूबर्टी और आपकी आने से पहले की जो फेज होती है लाइफ की, और द अदर वन इज आप इसको कह सकते हैं कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले की जो फेज होती है लाइफ की, उसको इंट्रिंसिक प्योरिटी की स्टेज मानते हैं। मतलब सबसे पवित्र उम्र है ये किसी लड़की के लाइफ का, और इसको काफी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि नवरात्रि के 8वें दिन और 9वें दिन वर्शिपिंग एंड फीडिंग वर्जिन गर्ल्स। सुन रहे हो तुम? बिकॉज इट कंफर्म्स द इमेज ऑफ गुड विमेन एंड दिस कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट बिहेवियर ऑन देयर पार्ट एंड एम्फेसिस द नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस। कि आपको वर्शिप, आप वर्शिप भी करते हो, कन्याओं को खाना भी खिलाते, मतलब कन्या हो जाती है यार वो उस दिन। वैसे पूरे साल आप क्या कर रहे हो, उनको कंट्रोल कर रहे हो उनके बिहेवियर को। इसलिए बिकॉज वर्जिन यहां पर स्पेशली बोला गया है। आप देखिए यहां पर स्पेशली वर्जिन बोला गया है, दैट मीन्स कि उनके बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे आप, रिस्ट्रेन करेंगे, सो दैट दे डोंट लूज देयर वर्जिनिटी। सो आपको मतलब पैट्रियार्कल सिस्टम में लगता है कि नीड है प्रोटेक्शन की, विजिलेंस की, ठीक है, उनके ऊपर नजर रखने की। इंडियन सोसाइटी के अंदर रिस्ट्रेन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है सेक्सुअलिटी को एज अ प्री रिक्विजिट ऑफ सोशली सैंक्शन मदरहुड। कि सेक्सुअलिटी जो है तभी अलाउड है जब आप मैरिड हो, और अगर आप उसके पहले मदरहुड के फेज में जाते हो देन इट इज नॉट अलाउड। मतलब सोशली सैंक्शन है, सोशली सैंक्शन मदरहुड के लिए है, और इसीलिए पहले से प्रायरली कंट्रोल किया जाता है। प्री रिक्विजिट मतलब कि पहले से क्या नेसेसिटी चीजें हैं। अर्बन एरियाज के अंदर मिडिल क्लास वेमेन वर्किंग इन द पब्लिक स्फेयर, वो उनके ऊपर काफी सारा प्रेशर होता है, क्योंकि उनको एक गुड वेमेन की इमेज जो है पूरी की पूरी वो फॉलो करनी पड़ती है, और इवन इसके लिए उन्हें कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप ये पढ़िएगा। जेंडर ट्राइब से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, खैर आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो मैं इसको पढ़ा दूंगी, ठीक है। और कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन ये कहता है कि दैट अ जेंडर इन्फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल लाइक रेस, क्लास, कास्ट एंड स्टेटस। कि जिस तरीके से रेस के आधार पर, क्लास के आधार पर, कास्ट के आधार पर, स्टेटस के आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, वैसे ही जेंडर जो है, जेंडर भी इन्फॉर्म करता है, ऑर्गेनाइज करता है, बताता है हमें, दिखाता है हमें कि इसके आधार पर भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। जेंडर इन इंटरफेस विद रेस एंड क्लास डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी। क्या वेस्टर्न सोसाइटी में देखेंगे कि जेंडर के साथ साथ रेस और क्लास ये दोनों और मिल जाएं तो मतलब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता है। जबकि इंडियन सोसाइटी की बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेस और क्लास तो नहीं, लेकिन कास्ट, कास्ट अगर जुड़ जाए तो फिर मतलब ये दो ही काफी है, एक एक से भले दो, ठीक है, कास्ट और जेंडर। और क्लास भी मान लीजिए, क्योंकि जो गरीब होगा उसके लिए और ज्यादा दिक्कतें होंगी। सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटस इम्प्लीकेशन इन सोशल लाइफ एंड एवरी डे रूटीन ऑफ मैन एंड वुमेन आर सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेड। मतलब उनके दिन में दिनचर्या के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे मेल के लिए अलग और वुमेन के लिए अलग चीजें हम देखते हैं समाज के अंदर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों की आइडियोलॉजी, लोगों के माइंड सेट में ये चीजें घुस गई हैं, मटीरियल आस्पेक्ट हो गया है सोसाइटी का, ठीक है जी। अब ये ट्राइब वाला पढ़िएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, अगर पढ़ पाते हैं तो, एक छोटा सा पैराग्राफ है बस आपके लिए, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको कल जब क्लास शुरू करूंगे अगली, नेक्स्ट सेशन में हम इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, पूरा का पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएंगे, जेंडर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, और अगर आप बोलोगे तो मैं इसको PDF में भी, PPT में भी डाल दूंगी, बट मुझे लगता है कि इसके अंदर से भी पढ़ लेना ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।